गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत कुमार है और आप देख रहे हैं आकांक्षा क्लासेस। आकांक्षा क्लासेस में बायोलॉजी का लेक्चर चलता है। आज हम 12th क्लास का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो आप देख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहते हैं और ऑर्गेनिज्म को हिंदी में जीव कहा जाता है। और आप जानते ही हैं कि इनको मे में लगा देते हैं, अर्थात कि हम पढ़ेंगे उल्टा साइड से, उल्टी तरफ से, जीवों में जनन। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं कि जितने सारे जीव हैं वो सारे जीवों में रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, जनन किस प्रकार होता है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, फिर समझेंगे जीव क्या है। तो आपको पहले हम ये बता दें कि जीव हमारे पृथ्वी पर मेनली हम दो प्रकार के बोल सकते हैं, वो क्या क्या, आप प्लांट को भी जीव बोल सकते हैं और दूसरा एनिमल को भी आप जीव बोल सकते हैं। अर्थात प्लांट और एनिमल दोनों को मिलाकर हम जीव कहते हैं। यानी कि हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करता है और एनिमल रिप्रोडक्शन किस प्रकार करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, फिर हम समझेंगे कि प्लांट और एनिमल किस प्रकार रिप्रोडक्शन करता है। चलिए हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है। लिखा हुआ है ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग दैट मीन्स ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट्स सेल्फ। दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन एक वैसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा नए जीवों को जन्म देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पे बात करते हैं कि एक प्लांट है, आपके सामने एक प्लांट है, तो वो प्लांट एक छोटा प्लांट को ही जन्म देगा, ना कि एक मच्छर को जन्म देगा। आपके सामने एक प्लांट है तो वो सिर्फ प्लांट को ही जन्म दे सकता है, ना कि मच्छर को, ना कि मस्कीटो को। दैट मीन्स कि जो एनिमल जैसा है वो अपने जैसा ही नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा। अगर कोई मस्कीटो है तो वो मस्कीटो एक छोटा सा मस्कीटो को ही जन्म देगा, ना कि ये प्लांट को जन्म देगा। इससे यह साबित होता है कि सारे एनिमल्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स, वो अपने जैसे ही नए जीवों को जन्म देता है। इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? अब देखेंगे, हो गया। अब हम देखेंगे, अब तक रिप्रोडक्शन समझ चुके हैं, अब हम आगे देखने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितना प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। तो मेनली दो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का दो टाइप है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया, अब हम समझाने वाले हैं। पहले एग्जाम्पल को देख के, एग्जाम्पल को देखते हुए आपको समझाना चाहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल पे आप मान लीजिए कि एक प्लांट ही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक प्लांट से, केवल एक प्लांट से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए? यस, ऐसा पॉसिबल है। यानी कि एक प्लांट से एक छोटा सा प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन क्या हम इंसान का जो निर्माण हुआ है, हम इंसान जो बने हुए हैं, क्या हम इंसान केवल एक पेरेंट से बने हैं? बिल्कुल नहीं, हमारा निर्माण दो पेरेंट से हुआ है।
जैसे कि आप जानते हैं पिता और माता, पिता और माता के मिलने से एक बच्चे का निर्माण हुआ है। यानी कि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बच्चा है, इस बच्चे का फॉर्मेशन दो पेरेंट से हुआ है, एक मेल पेरेंट और दूसरा फीमेल पेरेंट्स। यानी कि यहां पर आपको दो पेरेंट्स दिखाई दे रहा है और यहां पर केवल एक पेरेंट्स दिखाई दे रहा है। ये हमारा है पेरेंट्स और ये हमारा ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान और पेरेंट्स का मतलब होता है जिससे संतान जन्म होता है। आप यहां पर गौर से देखिए कि फिगर नंबर वन और फिगर नंबर टू पे, फिगर नंबर वन पे आप क्या देख रहे हैं कि न्यू ऑफस्प्रिंग तो बन रहा है लेकिन वो एक पेरेंट से बन रहा है, जबकि फिगर नंबर टू को आप देखिए न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है लेकिन ये दो पेरेंट से बन रहा है। इसका मतलब यही साफ है कि जब कोई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन, जब कोई संतान का निर्माण दो पेरेंट से हो तो ऐसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और जब कोई संतान का निर्माण या जब कोई ऑफस्प्रिंग का निर्माण केवल एक पेरेंट से हो, सिंगल पेरेंट से हो, तब उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यहां आपको समझ में आ गया होगा, आप जान चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। दैट मीन्स आपको फिर से एक बार बता दे कि जब कोई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन केवल सिंगल पेरेंट से हो तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, और जब कोई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन या निर्माण दो पेरेंट्स मिलकर करे या दो पेरेंट से हो तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे, हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल समझ गए, अब दोनों में डिफरेंस जानेंगे और डिटेल्स में थोड़ा सा जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। आपको डिफरेंस समझना है तो डिफरेंस समझने के लिए पहला पॉइंट आप जान चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स, पेरेंट्स सिंगल होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स डबल होता है। दूसरा डिफरेंस ये देखिए, दूसरा डिफरेंस समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। तो देखिए जरा सा इसे हम मिटाते हैं एक बार। आपको सबसे पहले आपको यह समझना होगा, पहले एक चीज समझिए कि हम लोग का निर्माण कैसे हुआ। सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि सारे एनिमल्स का निर्माण किस प्रकार हुआ, इस बात को समझते हैं। देखिए फिलहाल हम ह्यूमन का बात करेंगे, एक ह्यूमन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है इस पे बात करेंगे, फिर जाके हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस पता करेंगे। तो आप जानते हैं कि इस टाइप का जो सिंबल हम बनाते हैं तो ये मेल के लिए यूज किया जाता है, मेल। और आप ये भी जानते हैं इस प्रकार का सिंबल फीमेल के लिए यूज किया जाता है। मेल के बॉडी से एक सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम स्पर्म के नाम से जानते हैं, स्पर्म। और फीमेल के बॉडी से ओवम का फॉर्मेशन होता है, मेल स्पर्म का फॉर्मेशन करता है एंड फीमेल ओवम का फॉर्मेशन करती है, और ये स्पर्म मेल के बॉडी से निकलकर फीमेल के बॉडी में ओवम के पास जाके फ्यूज करता है और दोनों फ्यूज करके एक सेल का फॉर्मेशन करता है जिसे हम जायगोट के नाम से जानते हैं, जिसे हम जायगोट के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर जायगोट का फॉर्मेशन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हो सकता है, क्योंकि
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल अपने बॉडी से स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और वो स्पर्म मेल के बॉडी से निकलकर फीमेल के बॉडी के अंदर प्रवेश कर ओवम तक पहुंचती है और ओवम से जाकर फ्यूज करती है। उसके बाद फ्यूजन के जस्ट बाद जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन जिसे हिंदी में निषेचन के नाम से भी जानते हैं। तो स्पर्म फ्यूजन विद ओवम टू फॉर्म जायगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ध्यान दीजिए कि स्पर्म ओवम के साथ जैसे फ्यूज करता है, इस फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन का नाम दिया गया है और इसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इसी जायगोट से एक इम्ब्रियो का निर्माण होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है, दैट मीन्स एक ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। ये सारे प्रोसेस केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो आप अब इधर ध्यान दीजिए, इसको जरा सा ध्यान दीजिए, जरा सा आप एक बात को ध्यान दीजिएगा। यहां जो स्पर्म लिखा हुआ है और ये जो ओवम है, ये दोनों को गैमेट कहा जाता है। गैमेट, अगर आपसे पूछे कि मेल गैमेट का नाम क्या है तो आपको बताना होगा स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट का नाम पूछे तो आपको बताना होगा ओवम। दैट मीन्स ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले ऑफस्प्रिंग बनने से पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये जो इम्ब्रियो बना है तो इम्ब्रियो बनने से पहले जायगोट बनेगा और जायगोट बनने से पहले ओवम और स्पर्म बनेगा, दैट मीन्स गैमेट बनेगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ऑफस्प्रिंग बनने से पहले क्या बनेगा, गैमेट, यानी गैमेट फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ध्यान दीजिए। तो हम यहां डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, इसको रफ कर। पहला डिफरेंस हम जान चुके थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला डिफरेंस था सिंगल पेरेंट्स और इसमें था डबल पेरेंट्स। अब दूसरा डिफरेंस हम ये देखेंगे, नो गैमेट फॉर्मेशन, एसेक्सुअल में आपको गैमेट कहीं नहीं मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन। आप यहां देख चुके हैं कि गैमेट फॉर्मेशन होता है और आप ये भी जान चुके हैं कि गैमेट दो टाइप का होता है, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। आप ये भी जान चुके हैं कि मेल गैमेट स्पर्म को कहा जाता है और फीमेल गैमेट ओवम को कहा जाता है, और ये दोनों फ्यूजन करके जायगोट बनाता है और इसी जायगोट से एक इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहां तक आप जान चुके हैं। आप इधर देखिए, यहां नो गैमेट फॉर्मेशन लिखे हुए, इसका मतलब आपको ये भी समझा देते हैं कि फॉर एग्जांपल पे एक प्लांट है, आप फिर से एक प्लांट का एग्जांपल लीजिए, और प्लांट का बहुत ऐसा प्लांट है जिसमें आप उस प्लांट का ब्रांचेस काट के, उसके शाखा को काट के अगर आप मिट्टी पर लगा देते हैं तो फिर से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हुआ बिना गैमेट का हुआ, बिना स्पर्म बिना ओवम का हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं नो गैमेट फॉर्मेशन। आपको समझना पड़ेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके बॉडी के कोई भी पार्ट से हो सकता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो हम समझेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से जीवों में किस प्रकार का होता है। अगले लेक्चर हम जानेंगे कि एसेक्सुअल का भी कितना टाइप है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे वो अगले लेक्चर में। फिलहाल अभी इस पे हम चर्चा करते हैं कि अब तक हम जाने एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस। पहला डिफरेंस ये जाने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
केवल एक सिंगल पेरेंट्स होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होता है। दूसरा डिफरेंस ये जाने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और आप ये भी जान चुके हैं कि गैमेट दो टाइप के होते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को स्पर्म कहा जाता है एंड फीमेल गैमेट को ओवम कहा जाता है। एंड जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और उसे जायगोट डिविजन करके एक इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और वो इम्ब्रियो फिर नए रूप में जन्म लेता है, हमारे धरती पे आता है और आप जैसे महान इंसान बनने का ख्वाहिश रखता है। इधर ध्यान दीजिए, अब हम तीसरा डिफरेंस पे बात करेंगे। आप तीसरा डिफरेंस ये लिख सकते हैं, तीसरा डिफरेंस गैमेट फॉर्मेशन इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। तीसरा डिफरेंस में नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। अब चौथा डिफरेंस ये देख सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अब आप ये क्वेश्चन पूछिएगा कि सर क्लोन क्या है, ध्यान दीजिए क्लोन क्या है। आपको जरा हम क्लोन के बारे में समझाते हैं। क्लोन का अर्थ होता है कि जब कोई ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दोनों अपने पेरेंट्स से सिमिलर हो। अब ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी क्या लिखा है, ये दो टर्म आपके सामने है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली क्या है, जैसे आप किसी इंसान को देख रहे हैं, आप किसी इंसान को देख रहे हैं, इस इंसान में दो तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला जेनेटिकली बेस्ड पे और दूसरा मॉर्फोलॉजिकली बेस्ड पे। मॉर्फोलॉजिकली बेस्ड का अर्थ होता है जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देखकर उसका वर्णन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो वो मॉर्फोलॉजिकली कहलाता है। लेकिन जब हम उसके जेनेटिक लेवल पे बात करते हैं, जीन के लेवल पे बात करते हैं, इंटरनल बात करते हैं, तो वो जेनेटिकली कहलाता है। अब आप एक चीज समझ सकते हैं, ध्यान दीजिए कि जैसे आप अमीबा का नाम सुने होंगे, ये अमीबा है और यहां एक ह्यूमन का, एक ह्यूमन ही है। ध्यान दीजिए, एक अमीबा से दो अमीबा का फॉर्मेशन हुआ, एक अमीबा से दो अमीबा का फॉर्मेशन हुआ। और ये भी आप जानते हैं कि अमीबा एक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, दैट मींस डीएनए। इसके अंदर जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के अंदर में होता है जीन और जीन के अंदर होता है कैरेक्टर। ध्यान दीजिए, यानी कि ये हमारा हो गया पेरेंट्स और ये हो गया ऑफस्प्रिंग। ध्यान दीजिए, एक अमीबा से दो अमीबा का फॉर्मेशन हुआ, तो इस अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस है और उसके अंदर जो डीएनए है और डीएनए में मौजूद जो जीन है, उस जीन पे होता है कैरेक्टर। ये दोनों अमीबा में सारे के सारे कैरेक्टर केवल इसी अमीबा का होगा, क्योंकि ये दोनों का पेरेंट्स सिंगल है। इस दोनों के अंदर में कोई दूसरा डीएनए नहीं गया है, केवल और केवल एक ही पेरेंट्स का डीएनए गया है और वो सिर्फ इस अमीबा का डीएनए गया है। इसीलिए सारा कैरेक्टर इस अमीबा का, सारा कैरेक्टर इसके जैसा होगा, इस अमीबा का सारा कैरेक्टर इसके जैसा होगा, ये अमीबा देखने में भी इसके जैसा लगेगा, दैट मीन्स मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी, क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए आया है वो 100% एक ही पेरेंट से आया है।
जबकि अगर हम बात करें एक बच्चे का बात करें, फॉर एग्जांपल पर मैं अपना बात कर रहा हूं, क्या मेरा कैरेक्टर सेम टू सेम मेरे पापा जैसा है या सेम टू सेम मेरे मम्मी जैसा है? बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका 100% कैरेक्टर सेम टू सेम मम्मी जैसा या सेम टू सेम उसके पिता जैसा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर केवल एक पेरेंट से डीएनए नहीं आता है, बल्कि दोनों पेरेंट से डीएनए आता है, एक मेल पेरेंट से और दूसरा फीमेल पेरेंट से। दोनों पेरेंट्स का सेल, दैट मीन्स दोनों पेरेंट्स का स्पर्म और ओवम दोनों से मिलकर तो हमारा निर्माण हुआ है। दैट मीन्स हमारा निर्माण स्पर्म और ओवम दोनों से हुआ है। स्पर्म के अंदर भी डीएनए होता है और ओवम के अंदर भी डीएनए होता है। दैट मीन्स दोनों डीएनए से हमारा निर्माण हुआ है, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर में पिता का भी गुण है और माता का भी गुण है। जबकि इस अमीबा के अंदर में केवल एक ही अमीबा का कैरेक्टर है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन केवल एक पेरेंट से हुआ और हमारा फॉर्मेशन दो पेरेंट से हुआ, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर में दो कैरेक्टर, दैट मीन्स एक मेल का और दूसरा फीमेल का, दैट मीन्स माता का और पिता का, दोनों का कैरेक्टर हमारे बॉडी में मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लोन दैट मीन्स क्या? जो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलर हो, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन नहीं बन सकता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी सिंगल पेरेंट से नहीं बनता है, वो डबल पेरेंट से बनता है और डबल पेरेंट से दो अलग अलग डीएनए जाता है। तो दोनों डीएनए अलग अलग होने की वजह से हम कभी भी 100% या तो मेल या तो फीमेल के जैसा नहीं दिखते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि क्लोन क्या है। क्लोन दैट मीन्स कि वायसा ऑफ स्प्रिंग जो जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट से मिलता हो उसे क्लोन कहते हैं। ध्यान दीजिए,